So hey, hi and hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to explain part 12 or fir part 13 of mermaid human love story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. एपिसोड 9 की शुरुआत में हम टियान को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ कहीं जा रही होती है। तभी सामने से हाव हान आकर उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर टियान के डैड वॉज लाइक, ओ हेलो, तुम हो कौन और मेरी बेटी को ऐसे हक क्यों कर रहे हो? हाव हान कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आफ्टर दैट टियान डैड को घर के अंदर भेज कर खुद हाव हान के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर टियान के डैड वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है। वेल, वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हाव हान टियान से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि जलपरी हो, मरमेड, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर टियान कहती है कि बट मुझे फर्क पड़ता है और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि हम मरमेड्स अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्यार करती हैं। जिसे सुनकर हाव हान कहता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। एंड आफ्टर दैट वो टियान को किस करने जाता है, बट टियान उसे ऐसा नहीं करने देती। जिसे देखकर हाव हान वहाँ से जाने लगता है। टियान कहती है कि क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स नहीं बन सकते? हाव हान कहता है कि नहीं बन सकते, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हें पाना चाहता था। टियान जब उसे सॉरी बोलती है तो वो जाकर उसे हक कर लेता है एंड देन कहता है कि अगर मैं तुमसे हेंग्यू से पहले मिला होता तो काफ़ी अच्छा होता। एंड आफ्टर दैट काफ़ी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। टियान जब अकेले बैठी होती है तभी वो सामने हेंग्यू को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों भागते हुए जाकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हेंग्यू कहता है कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। टियान कहती है कि पर आखिरकार तुम मेरे घर तक पहुँचे कैसे? हेंग्यू कहता है कि मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस उसी लेडी ने बताया जिनसे तुमने ये पेंडेंट खरीदा था। टियान कहती है कि मैं एक मरमेड हूँ तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जिस पर हेंग्यू कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वैसे भी तुम पानी में काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती हो। जिससे सुनकर टियान काफ़ी हैप्पी हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों कुछ ऐसा करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे टियान की मॉम आ जाती हैं, जिसे देखकर बेचारे हम व्यूअर्स वॉज लाइक, तौबा तौबा, पूरा मूड ख़राब कर दिया। अरे अरे, हमारा नहीं, उन दोनों का। देन नेक्स्ट सीन में हम हेंग्यू एंड टियान के पेरेंट्स को आमने सामने देखते हैं, जहां उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था। मॉम के जाने के बाद टियान के डैड हेंग्यू से काफ़ी बातें करते हैं। हेंग्यू कहता है कि पहले मुझे लगा कि टियान एक लड़का है, फिर पता चला कि वो एक लड़की है, बट अब पता चल रहा है कि वो एक मरमेड है। बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो चाहे जो भी हो मैं हमेशा उससे प्यार करूँगा। एंड फाइनली हेंग्यू की ऐसी बातें सुनने के बाद टियान के डैड भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टियान की मॉम को देखते हैं जो कि किसी भी हाल में हेंग्यू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम टियान को देखते हैं जो कि हेंग्यू के लिए बिस्तर लगा रही होती है। वेल, बातें करते करते जब वो दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं तभी वहाँ पे टियान की मॉम भी आ जाती हैं एंड उसे जाकर अपने रूम में सोने के लिए बोलती हैं। वेल, टियान की मॉम के जाने के बाद हेंग्यू चैन की सांस लेता है।
अब वो दोनों अलग अलग सोने तो चले जाते हैं, बट 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 काफी रात होने के बाद भी उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती, जिस वजह से टियान चुपके से अपने रूम से निकलकर हेंग्यू के पास पहुंच जाती है, जहां वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट 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 तभी वहां पे टियान के डैड भी आ जाते हैं। वेल, अब डैड के आने के बाद वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। इन सब से परेशान होकर जब टियान हेंग्यू को गुड नाइट बोलते हुए वहां से जा रही होती है तो हमारे हेंग्यू भाई साहब क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। वहीं दूसरी तरफ हम हाओ हान को देखते हैं, जो कि काफी सैड होकर टियान से रिलेटेड अपनी सभी मेमोरीज को याद कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग टियान अपने घर के बाहर काफी सारे लोगों को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, एंड देन काफी अच्छे से तैयार होकर उन सभी के पास जाती है, जहां वो सभी टियान की काफी तारीफ करते हैं। वेल, वो सभी जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हेंग्यू उन सभी के साथ काफी अच्छे से बिहेव करता है, जिसे दूर से टियान के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम हेंग्यू को वॉशरूम में देखते हैं, जहां थोड़ी देर बाद टियान भी आ जाती है। हेंग्यू टियान को देखते हुए कहता है कि तुम गर्ल्स के नहीं बल्कि बॉयज के कपड़े पहना करो, जिसे सुनकर टियान वॉज लाइक, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? हेंग्यू कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम गर्ल्स के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो, इसलिए मुझे डर है कि कहीं कोई आकर मुझे तुम्हें मुझसे चुरा ना ले। जिसे सुनकर टियान शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। वो सभी जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो हेंग्यू को ना चाहते हुए भी उन सभी के सामने सी फूड खाना पड़ता है, क्योंकि हमारे हेंग्यू को सी फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम हाओ हान की मॉम को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके हेंग्यू के डैड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हेंग्यू के नाम कर दी थी। वेल, हाओ हान की मॉम के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर सुनने के बाद हेंग्यू के डैड की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा के सीजन सेकंड का एपिसोड 10 एंड पार्ट 13 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।